अंदर से भी गाड़ी पूरी नई है, पिन्नी वगैरह भी नहीं हटाई है भाई ने। टायर भी भाई पहले घर बाद में गई टायर, जब पहले टायर डलवाए थे हमने, अच्छा, ऐसी स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो भी पहले टायर डले थे, उसके बाद घर गई थी पूजने। तुमने पीछे से अपनी नंबर प्लेट भी और आगे से भी नंबर प्लेट हटा रखी है। अक्खां विच सुरमा काला, बुलां ते लारे नी, मुंह ते मस्कारा झूठा, चुप्पर ते पावे नी। सूजियां अंबरां तों उच्ची जट रेंज विचों बाहर वेख करदे आ कोप, फालो मेरी काली कार हुंदे सेवानी होणे ऐतवार, सोहणी ए रेहानी होणे ऐतवार, ऐदां नी चलदे प्यार सोहणी ए ऐदां नी चलदे प्यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रब्बू ब्लॉग। राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, तो मस्त होंगे। तो आज हमारे साथ है गोली भाई। कैसे हो गोली भाई? बढ़िया। तो गाइस, एक एक करके मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इससे पहले भाई का नीचे इंस्टाग्राम आ रहा होगा, तो भाई को जाके फॉलो कर लो, और भाई के इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी रील्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो भी गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो गोली भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि ये मॉडल कौन सा है? भाई ZXi मॉडल है सिर्फ। अच्छा, तो मतलब कौन सा ईयर? ये अभी 7 दिन पुरानी है। अच्छा, 7 दिन पुरानी है। तो मुझे ये बताओ, आपको स्विफ्टी क्यों पसंद आई थी? भाई स्विफ्टी पसंद थी। अच्छा। अब ब्लैक टॉप मॉडल में आता है ब्लैक। तो भाई एक बात तो है, स्विफ्ट ऐसा ऐसी गाड़ी है कि मतलब इसमें कितना ही पैसा लगा लो, कितनी मॉडिफिकेशन करवा लो, वो कम है। हाँ, कम है भाई। तो मतलब ये ब्लैक कलर लिया था? भाई ब्लैक कलर लिया था, फिर इस पे ना ब्लैक PPF करा दी थी मैंने। अच्छा अच्छा, तुरंत। तो भाई ने देख सकते हो कि भाई की जो चॉइस थी वो स्विफ्ट लिया ब्लैक कलर में, और इसके ऊपर अपने ब्लैक PPF करा रखा। ब्लैक PPF करा दी थी। तो गोली भाई, फ्रंट से बताओ मुझे क्या क्या चेंज करवा रखा है? भाई फ्रंट से चेंज कुछ नहीं करा रखा, ग्रिल पेंट है। अच्छा, फोग लैम्प के कवर पेंट है ये पेंट है बस, और पूरी गाड़ी पे PPF करा रखी है, और पीछे पीछे ये पेंट है। अच्छा, ये पेंट है पूरा ब्लैक। तो भाई ने पीछे से भी ये पूरी ब्लैक करवा रखी है, देख सकते हो। और पीछे से क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखी? कुछ नहीं भाई, पीछे से तो सिर्फ नाम लोगो वो हटा रखा है मैंने। अच्छा, PPF करवाई थी, जब ही हटवा दिया था, सही नहीं लगता, सिंपल बढ़िया। हाँ, तो भाई ने अपने स्विफ्ट पे से सारे लोगो वगैरह हटा दिए, और पीछे अपना नाम लिख रखा है, और अपना भाई ने जिम का लोगो लगा रखा है, देख सकते हो। तो और भाई ने पीछे से अपनी नंबर प्लेट भी और आगे से भी नंबर प्लेट हटा रखी है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप भी अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट लगा के या हटा के जो भी चलाओ, भाई ने जो भी करवा रखा है अपने दम पे करवा रखा है। तो भाई कहते हैं ना गोली भाई, शौक बहुत बड़ी चीज है। शौक भाई बहुत बड़ी चीज है, शौक का कोई पैसा नहीं है। हाँ जी, तो भाई देख सकते हो, साइड से मैं दिखा देता हूँ। टायर भी भाई पहले घर बाद में गई टायर, जब पहले टायर डलवाए थे हमने। अच्छा अच्छा, ऐसी स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो भी पहले टायर डले थे, उसके बाद घर गई थी पूजने। तो भाई देख सकते हो कि मतलब ये मान लो कि शोरूम से आते ही सार घर तो बाद में गई है भाई, भाई की गाड़ी जो गई है मतलब सीधी दुकान पे ही गई है चेंज करो, LIV चेंज के लिए। अच्छा, तो भाई देख सकते हो, तो साइड से कुछ लुकिंग ऐसी आ रही है। तो गाइस अब आ जाते हैं LIV पे। तो LIV देख सकते हो कुछ इस तरीके के है, और इसकी मैं प्रोफाइल दिखा देता हूँ, 225 35R 20 इंची। तो 20 इंची के भाई ने अपने अलॉय व्हील इसमें इंस्टॉल करवा रखे है, और लो प्रोफाइल करवा रखी है टायर की। तो मतलब इनकी क्या कॉस्टिंग पड़ गई होगी भाई? पड़ गए 1,09,000 के
8-9 हजार उसे दिए थे जिसने उठाई थी पीछे से। अच्छा, 8-9 हजार उसे दिए थे और 1-3-7 के ही पड़ गए थे अलॉय व्हील। मैंने दिए थे अपने कंपनी वाले 33 हजार रुपए। अच्छा, अलॉय व्हील आए थे कंपनी से, टायर आए थे, तो मतलब 33 हजार रुपए के दे दिए थे। तो मतलब ने मतलब भाई ने मतलब पलटे में पूरे पड़ गए ये तुम्हें 1 लाख के पड़ गए। हाँ, 1 लाख ऐसे अगर टायर ना दू तो। अच्छा, टायर देने के बाद पड़ गए 70 कुछ के। अच्छा, तो भाई देख सकते हो 20 इंची के भाई ने अपने अलॉय व्हील इंस्टॉल करवा रखे है और बाहर से ज्यादा कुछ नहीं करवा रखा है भाई ने, और अपने चारों शीशे अपने जेड ब्लैक करवा रखे है जो कि रिकमेंड नहीं है भाई, जो भी करवा रखा है भाई ने अपने दम पे करवा रखे है। तो भी गाइस अब चलते हैं अंदर की साइड। तो गाइस देख सकते हो अंदर से भी गाड़ी पूरी नहीं है, पिन्नी वगैरह भी नहीं हटाई है भाई ने। तो गाइस हम आ चुके हैं अंदर की साइड। बोली भाई अंदर से क्या क्या चेंज करवा रखा है? भाई अंदर से कुछ भी चेंज नहीं करा रखा है, इसमें कंपनी से ही है अभी। अच्छा, अभी ज्यादा दिन हुए नहीं गाड़ी को। अच्छा, तो मतलब भाई ने अंदर से तो ज्यादा कुछ करवा नहीं रखा है अभी, ज्यादा दिन ही कहा हुए, 7 दिन ही हुए। हाँ भाई, 7 दिन ही हुए। अच्छा, तो मतलब आगे कुछ प्लान किया है कि मतलब इसमें मतलब साउंड वगैरह इसमें सेट करवाओगे? हाँ भाई लगवाएंगे, देखेंगे साउंड वाउंड भी लगवाएंगे। अच्छा, तो अभी तो जो भी कुछ है साउंड वगैरह कंपनी से ही आया होगा? कंपनी से आया। अच्छा, तो गाइस ज्यादा भाई ने कुछ करवा नहीं रखा है, और जो भी भाई ने अभी हमें बताई दिया है कि जो भी अगर इसमें साउंड इंस्टॉल करवाएंगे तो आगे अपग्रेड करेंगे भाई। तो भी गाइस अब स्टार्ट करते हैं कंपनी का म्यूजिक कि मतलब कंपनी से कैसा म्यूजिक आया है। तो गाइस ईयरफोन जरूर यूज कर लेना, तभी आपको मतलब साउंड का पता चलेगा कि साउंड कैसा है, और ईयरफोन यूज नहीं करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो भी गाइस करते हैं साउंड को प्ले। तो बोली भाई साउंड तो एक नंबर का आ रहा है कंपनी से यार। हाँ, कंपनी का बढ़िया, वैसे करवाएंगे इसमें अपडेट करवाएंगे फिर भी। तो मतलब चारों विंडो में इसके मतलब स्पीकर है? हाँ भाई, चारों विंडो में, तो फ्रंट में भी और पीछे भी मतलब स्पीकर है। तो यार साउंड तो कंपनी का एक नंबर का आ रहा है, साउंड मतलब आवाज भी एकदम हमारे लायक ना भाई। हमें आदत तेज सुनने की। अच्छा, तो कंपनी का मुझे तो बहुत ठीक लगा साउंड, क्योंकि जो भी है मतलब बढ़िया लगा। और भाई बोली भाई का मन कर रहा है कि अभी इसमें अपग्रेड करवाएंगे साउंड को, क्योंकि इनको लाउड सुनने की आदत है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो रबू ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।